नमस्कार, आई एम डॉक्टर नवदीप। मैं इंडोगल्फ हॉस्पिटल नोएडा और मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको एपिलेप्सी, मिर्गी, फिट्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे कुछ बताना चाहता हूँ। एपिलेप्सी एक बहुत कॉमन बीमारी है। दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं और हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ लोगों को ये बीमारी है। मिर्गी के काफ़ी सारे कारण होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे कॉमन रीज़न जो है, दैट इज़ इन्फेक्शन। उसमें भी NCC, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो कहते हैं कि दिमाग में कीड़ा चला जाता है, उसके अलावा TB, HIV और कई तरह के ब्रेन इन्फेक्शन जो हैं, उनकी वजह से मिर्गी हो जाती है। इन्फेक्शन के अलावा ट्यूमर, स्ट्रोक भी अन्य कॉमन कारण हैं, और कुछ लोगों में यह बीमारी अनुवांशिक होती है, दैट इज इट रन्स इन द फैमिलीज, पेरेंट्स को है, उनसे बच्चों को भी हो जाती है। मिर्गी के जो लक्षण होते हैं, अक्सर मिर्गी होने से पहले इंसान को पता चल जाता है, कुछ अजीब से लक्षण होते हैं। कुछ लोगों को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, किसी को दिखाई देने में दिक्कत होती है, किसी को एक तरफ अजीब सी चींटियाँ चलने लगती हैं या अजीब सी सेंसेशन होती है, कुछ लोगों को एक तरफ हाथ में या पाँव में झटका आने लगता है। इसके बाद अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, और बाकी जो अन्य तरह की मिर्गी होती है उसमें कुछ लोगों को ऑल ऑफ अ सडन एक झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे, इसको हम मायोक्लोनस कहते हैं। और एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें इंसान बस टकटकी लगा के देखने लगता है, इसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स भी होते हैं जिसमें इंसान का कॉन्टैक्ट जो होता है सराउंडिंग से, वो टूट जाता है, उसको पता नहीं चलता कि आप उसके पास हैं, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि वो अपनी धुन में मस्त हो जाता है। और इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक ही अक्सर रहता है। मिर्गी जब भी किसी इंसान को आती है तब घबराइए नहीं, उसको किसी सुरक्षित जगह पर लिटा दीजिए, एक करवट दिला के, प्रेफरेबली लेफ्ट, और उसके मुँह में किसी तरह की कोई चीज़ ना डालें, चम्मच, पानी, ना ही उसका नाक बंद करें। ये अपने आप 2 से 3 मिनट में ज़्यादातर रुक जाती है, और जैसे ही मिर्गी रुक जाए उसके बाद उससे बात करके जो आसपास का हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट को सुरक्षित अवस्था में आप पहुँचा दें। मिर्गी का जो इलाज है उसके लिए हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देते हैं। कोई इसमें कोर्स नहीं होता। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने 3 साल का कोर्स किया, हम ठीक हो गए, दवाई बंद कर दी, उसके बाद से दोबारा हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिर्गी का कोई कोर्स नहीं होता। दवाई से हम बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करते, ये दवाई सिर्फ मिर्गी को रोक के रखती है, लक्षण को कंट्रोल करती है, हमें इसका जो कारण है उसको ठीक करना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ एपिलेप्सी, इसका ट्रीटमेंट कुछ महीनों से लेके कई सालों तक या कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ता है। इसके साथ हमारे काफ़ी सारे भ्रम जुड़े होते हैं। मिर्गी एक से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है, और मिर्गी के जो लोग होते हैं उनको भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट को लेके, काफ़ी लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। एक एंटिटी होती है, हम उसको ट्रीटमेंट गैप कहते हैं। ट्रीटमेंट गैप होता है, या तो लोगों को पता ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम क्या है और उनको किसको दिखाना है, और दूसरा लोगों को मालूम है बट वो समय से दवाई नहीं लेते हैं। तो ट्रीटमेंट गैप एक बहुत बड़ा रीज़न है मिर्गी को ना कंट्रोल कर पाने के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को किसी भी समय ऐसे कोई लक्षण हो, या आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में किसी को मिर्गी हो, तो कृपया करके उसे किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाएं, और पेशेंट को हमेशा मोटिवेट करें कि उसे टाइम से दवाई लेनी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इसमें ज़रूरी होता है, जैसे समय पर सोना। अगर बुखार आता है तो उसमें भी मिर्गी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अवॉइड अल्कोहल। ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदुस्तान में एक और कॉमन कारण है मिर्गी का, जो डिलीवरी बच्चों की प्रॉपर नहीं हो पाती है, उस टाइम पे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनको मिर्गी हो जाती है। इस चीज़ को हम HIE, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं। इसमें बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो नॉर्मल बच्चों के मुताबिक थोड़ा स्लो होती है, बट बच्चे बड़े होते जाते हैं। और
ऐसी स्थिति में बच्चों को अक्सर एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस की जरूरत लंबे समय तक होती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, वो स्कूल में अपने टीचर्स को बच्चे के प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बताएं, उसके डॉक्टर का इमरजेंसी नंबर ज़रूर टीचर्स के पास होना चाहिए और बच्चे की क्या क्या दवाई चल रही है, इन केस अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे क्या दवाई दी जाए, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी की सारी बच्चों की क्लास टीचर के पास होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिलेप्सी के बच्चे बाकी सब बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चे ही होते हैं, कृपया उनको किसी भेदभाव की दृष्टि से ना देखा जाए। सम चिल्ड्रन विद एपिलेप्सी आर वेरी इंटेलिजेंट, सो आई रिक्वेस्ट कि उन बच्चों को भी बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए एंड उनको भी बाकी बच्चों की तरह एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये मैसेज आप लोगों को काफ़ी लाभदायक होगा और इससे आपके आस पड़ोस वाले और जान पहचान वालों को कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू। नमस्कार, आई एम डॉक्टर नवदीप। मैं इंडो गल्फ हॉस्पिटल नोएडा और मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको एपिलेप्सी मिर्गी फिट्स जिसको हम कहते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एपिलेप्सी एक बहुत कॉमन बीमारी है, दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं और हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ लोगों को ये बीमारी है। मिर्गी के काफ़ी सारे कारण होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे कॉमन रीजन जो है दैट इज इन्फेक्शन, उसमें भी एनसीसी न्यूरोसिस्टिसरकोसिस जो कहते हैं कि दिमाग में कीड़ा चला जाता है, उसके अलावा टीबी एचआईवी और कई तरह के ब्रेन इन्फेक्शन जो हैं उनकी वजह से मिर्गी हो जाती है। इन्फेक्शन के अलावा ट्यूमर स्ट्रोक भी अन्य कॉमन कारण हैं और कुछ लोगों में यह बीमारी अनुवांशिक होती है, दैट इज इट रन्स इन द फैमिलीज, पेरेंट्स को है उनसे बच्चों को भी हो जाती है। मिर्गी के जो लक्षण होते हैं अक्सर मिर्गी होने से पहले इंसान को पता चल जाता है, कुछ अजीब से लक्षण होते हैं, कुछ लोगों को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, किसी को दिखाई देने में दिक्कत होती है, किसी को एक तरफ अजीब सी चींटियाँ चलने लगती हैं या अजीब सी सेंसेशन होती है, कुछ लोगों को एक तरफ हाथ में या पाँव में झटका आने लगता है, इसके बाद अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। और बाकी जो अन्य तरह की मिर्गी होती है उसमें कुछ लोगों को ऑल ऑफ अ सडन एक झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे, इसको हम मायोक्लोनस कहते हैं। और एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें इंसान बस टकटकी लगा के देखने लगता है, इसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स भी होते हैं जिसमें इंसान का कॉन्टैक्ट जो होता है सराउंडिंग से वो टूट जाता है, उसको पता नहीं चलता कि आप उसके पास हैं, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि वो अपनी धुन में मस्त हो जाता है। और इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक ही अक्सर रहता है। मिर्गी जब भी किसी इंसान को आती है तब घबराइए नहीं, उसको किसी सुरक्षित जगह पे लिटा दीजिए, एक करवट दिला के, प्रेफरेबली लेफ्ट, और उसके मुंह में किसी तरह की कोई चीज़ ना डालें, चम्मच पानी, ना ही उसका नाक बंद करें। ये अपने आप 2 से 3 मिनट में ज़्यादातर रुक जाती है और जैसे ही मिर्गी रुक जाए उसके बाद उससे बात करके जो आसपास का हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट को सुरक्षित अवस्था में आप पहुँचा दें। मिर्गी का जो इलाज है उसके लिए हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देते हैं, कोई इसमें कोर्स नहीं होता। अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने 3 साल का कोर्स किया, हम ठीक हो गए, दवाई बंद कर दी, उसके बाद से दोबारा हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिर्गी का कोई कोर्स नहीं होता, दवाई से हम बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करते, ये दवाई सिर्फ मिर्गी को रोक के रखती है, लक्षण को कंट्रोल करती है, हमें इसका जो कारण है उसको ठीक करना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ एपिलेप्सी इसका ट्रीटमेंट कुछ महीनों से लेके कई सालों तक या कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ता है। इसके साथ हमारे काफ़ी सारे भ्रम जुड़े होते हैं, मिर्गी एक से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है और मिर्गी के जो लोग होते हैं उनको भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट को लेके, काफ़ी लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, एक एंटिटी होती है हम उसको ट्रीटमेंट गैप कहते हैं। ट्रीटमेंट गैप होता है
या तो लोगों को पता ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम क्या है और उनको किसको दिखाना है, और दूसरा लोगों को मालूम है बट वो समय से दवाई नहीं लेते हैं। तो ट्रीटमेंट गैप एक बहुत बड़ा रीज़न है मिर्गी को ना कंट्रोल कर पाने के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को किसी भी समय ऐसे कोई लक्षण हो या आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में किसी को मिर्गी हो तो कृपया करके उसे किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाएं और पेशेंट को हमेशा मोटिवेट करें कि उसे टाइम से दवाई लेनी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इसमें ज़रूरी होता है, जैसे समय पे सोना। अगर बुखार आता है तो उसमें भी मिर्गी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अवॉइड अल्कोहल। ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिंदुस्तान में एक और कॉमन कारण है मिर्गी का, जो डिलीवरी बच्चों की प्रॉपर नहीं हो पाती है। उस टाइम पे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनको मिर्गी हो जाती है। इस चीज़ को हम HIE हाइपोक्सिक इस्कीमिक एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं। इसमें बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो नॉर्मल बच्चों के मुताबिक थोड़ा स्लो होती है, बट बच्चे बड़े होते जाते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चों को अक्सर एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस की ज़रूरत लंबे समय तक होती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, वो स्कूल में अपने टीचर्स को बच्चे के प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बताएं। उसके डॉक्टर का इमरजेंसी नंबर ज़रूर टीचर्स के पास होना चाहिए, और बच्चे की क्या क्या दवाई चल रही है, इन केस अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे क्या दवाई दी जाए। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी की सारी बच्चों की क्लास टीचर के पास होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिलेप्सी के बच्चे बाकी सब बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चे ही होते हैं, कृपया उनको किसी भेदभाव की दृष्टि से ना देखा जाए। सम चिल्ड्रन विद एपिलेप्सी आर वेरी इंटेलिजेंट, सो आई रिक्वेस्ट कि उन बच्चों को भी बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए, एंड उनको भी बाकी बच्चों की तरह एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये मैसेज आप लोगों को काफ़ी लाभदायक होगा, और इससे आपके आस पड़ोस वाले और जान पहचान वालों को कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू।